अभी हम बलिया स्टेशन पे हैं और ये देखिए यहाँ पे भंडारा चल रहा है। मैं भी कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त सचिव हूँ बलिया शहर का। सभी जगह जो गरीब प्रभुजन होते हैं मानसिक विक्षिप्त, जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, हमारी माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन ने ढूंढ ढूंढ के वस्त्र वितरण का कार्यक्रम एवं भोजन वितरण का कार्यक्रम चलता है। बलिया में फेमस रबड़ी मिलता है। क्या हाल बा आप लोगों के, बलिया राइडर में हम आपके फिर से स्वागत करते नहीं। हमारा नाम निकी था और वेलकम टू बलिया राइडर। अभी हम निकल चुके हैं नाइट राइड पे। ये है आदेश और उसका दोस्त अविनाश, तो बस छोटा सा सिटी राइड करेंगे हम और ऐसे ही घुमाऊंगा दिखाऊंगा आपको स्टेशन एंड बाकी सब जगह। तो बने रहिए वीडियो पे, अगर नए हैं तो जल्दी से लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और बलिया में एकदम खतरनाक ठंडी बा, एकदम मस्त वाला, मतलब जान तो कैसा ठंडी बा कि हाथ डालो ना तो हाथ जम जाता कहीं के। भोजपुरी में तो नहीं सोचते नहीं कि हम ब्लॉगिंग करें, स्टार्ट करी बलिया खाती, बलिया वाला लोगों सपोर्ट कर सो तो भाई भोजपुरी में ब्लॉग आई, टेंशन मत लो। तो अभी निकल चुके हैं ऐसे ही छोटा सा और ठंडी यार लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली, मतलब बता नहीं सकता टेम्परेचर यही 6 या 5 डिग्री होगा। रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, बलिया शांत सा लगता है, एकदम शांति शांति सा मज़ा आ जाता है। बने रहिए और आप इंजॉय करिए, देखते रहिए। तो ये है सिटी राइड, रात का व्यू, मतलब रात का नज़ारा बलिया का। और यहाँ का डीएम ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। देखिए लाइट वाइट भी जल रही है आजकल तो, मतलब मस्त वाली। और ब्लैक ब्यूटी भी चकाचक है, लेकिन ब्लैक ब्यूटी की लाइट अभी तक बनी नहीं, शायद ऐसा लग रहा है, बट मैंने लाइट हाँ बनी ही नहीं है लाइट। और नज़ारे हैं ये, बाप रे बाप, अभी तक ठंडा था, खतरनाक लगा था। ये है कुंवर सिंह, देखिए ये नज़ारे, वाओ मस्त है ना। कमेंट ठोक दीजिए और लाइक भी मार दीजिए। ये देखिए ये पोल पे जो लाइट लगा है ना, ये लाइटिंग तो ऐसा तिरंगे की लाइटिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये इसलिए मैं रात को सोचा कि एक ब्लॉग करते हैं, क्योंकि ये मैं देखा था और कितने दिनों से सोच रहा था कि आज ब्लॉग करूँगा, बट यार आज मौका मिला। और सबसे दुख की खबर है, आदेश की दादी एक्सपायर हो गई, तो वो आया था सामान लेने के लिए इसी वजह से, तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग भी कर लेते हैं। देख रहे हैं ये नज़ारे, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, मतलब जो डेकोरेशन किया गया है ना, तो कुंवर सिंह से टीडी कॉलेज तक का ये लाइटिंग लगाया गया है डीएम के थ्रू, और काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, मतलब मज़ा आ रहा है देख के, ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में कुछ हुआ है डेवलप, बलिया अच्छी लग रही है। इसी नाम पर लाइक करिए यार, वीडियो को सपोर्ट करिए, देखिए थोड़ा सा और देखिए नज़ारे रात का बलिया का। ये देखिए टीडी कॉलेज को हम पहुँचने वाले हैं और ऐसे ही साथ स्ट्रीट फूड का स्वाद लेंगे बलिया का। आदेश बोल रहा है रबड़ी खिलाने के लिए। ये देखिए टीडी कॉलेज, अच्छा लग रहा है ना, इनके नाम पे भी एक बार ठोक दीजिए लाइक यार, ठोका लो लाइक मरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अभी खाते नहीं थे। आदेश रबड़ी खिलाने जा रहा है, देखिए ठंडी में हेलमेट नहीं पहना, कोई बात नहीं चलता है बोल रहा है, बट मैं हेलमेट पहन के चलाता हूँ। हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए यार, हेलमेट पहन के चलाया करिए बाइक। चल तो अभी डिसाइड किए हैं कि हम ऊपर ऊपर ना जाएं, नीचे नीचे जाएं, तो नीचे नीचे चलते हैं। और ये पुल के नीचे नीचे हम जा रहे हैं, बलिया पुल के नीचे नीचे, तो मतलब एक ऊपर ब्रिज के ऊपर से भी जा सकते हैं बलिया मेन सिटी में, और नीचे से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे शायद रेलवे वाला फाटक का काम हो रहा है। ये क्रॉसिंग रोड बलिया, आपका स्वागत है बलिया में, आपका स्वागत है समझे, बागी बलिया उधर पर नहीं, यूपी 60 नंबर है यहाँ का, भाई कर लिया
अगर हमारे पुराने वीडियो आप लोग नहीं देखते हो तो उसको भी लाइक ठोक दो। ये देखिए यहाँ पे भी लाइट लगी पड़ी है। अभी हम बस स्टेशन रोड पे आ चुके हैं, स्टेशन जा रहे हैं। बलिया का काफ़ी अच्छा स्टेशन है, छोटा था, क्यूट था। दिखाता हूँ मैं एक बार बलिया स्टेशन। ये भी है बलिया सिटी, बलिया मेन मार्केट। रात में ट्रकों की ट्रैफिक बढ़ जाती है थोड़ी सी। और यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो स्टेशन जाएंगे, और यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो आप मेन सिटी में जाएंगे। और ये स्टेशन का नज़ारा देखिए, छोटा सा बलिया स्टेशन का नज़ारा। अभी हम बलिया स्टेशन पे हैं, और ये देखिए यहाँ पे भंडारा चल रहा है। मैं बताता हूँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं जिन लोगों ने पब्लिक को खाना खिला रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और ये है बलिया स्टेशन। अभी टाइम हो रहा 8:00, मैं बात कराता हूँ। हेलो भैया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से हो आप लोग? ये हमारी भैया माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन है, MKO जो देखिए। ओके, कहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है? यही की भैया बलिया रेलवे स्टेशन, हमारी रक्सर में इसका हेड ऑफिस है, कार्यालय। मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, पकड़िए भैया। मैं माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त सचिव। ये कार्ड देखिए, सो आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। जी भैया, मैं भैया माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त सचिव हूँ बलिया शहर का। और मेरा मतलब कार्यक्रम रहता है सभी जगह जो गरीब प्रभुजन होते हैं, मानसिक विक्षिप्त जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, हमारी माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ढूंढ ढूंढ के वस्त्र वितरण का कार्यक्रम एवं भोजन वितरण का कार्यक्रम चलता है, जो रोजाना रात्रि 8:00 से चालू होता है। हमारे कार्यकर्ता निकल चलते हैं उन लोगों की तलाश में जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रतिदिन उन्हें ढूंढ ढूंढ के भोजन कराना हमारे संस्था का कार्यक्रम रहता है। धन्यवाद भैया। आपका नाम? माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन का उपाध्यक्ष। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भैया लोग। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप थोड़ा सा पीछे मुड़ना, माँ कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन। और कोई भी डोनेट करना चाहता है कुछ, तो आप यहाँ पे आ गए, इस नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं, और मदद करिए यार। गरीबों को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, और ये बलिया पे हो रहा है। अच्छा लगा देख के आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे आके इनसे बात करके हेल्प करो और इनकी मदद करो, जिससे और लोगों को खाना खिलाया जा सके। एक बार नज़ारा देखिए, ठंड बहुत है, और ठंड में ये बहुत ज़रूरी है। ये बलिया सिटी है, बलिया स्टेशन पे। और सभी लोगों से निवेदन है, मेरा मेरा वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगे तो मैं वीडियो को शेयर ऑर्गेनाइजेशन बलिया रेलवे स्टेशन, बालेश्वर मंदिर, भृगु आश्रम, सरकारी अस्पताल, मालगोदाम रोड, सभी जगह रात्रि 8:00 निकल पड़ती है उन सभी लोगों की तलाश में जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। अपना पापा को ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जाति धर्म मजहब के लोगों को एक साथ बिठाल के भोजन कराती है। बलिया में फेमस रबड़ी मिलता है, और ये देखिए ऐसे स्टेशन के सामने, और काफ़ी मस्त लगता है, टेस्टी। तो ये बलिया का स्ट्रीट फूड रबड़ी, दिखाते हैं। ये देखिए यही है रबड़ी। और हाय भैया दत्तरन रबड़ी, हाय गरमा गरम दूध पी लो, दूध के का पिए के बा फ्री में बा, आदेश सिंह का नाम थे बारा। तो अविनाश जी रबड़ी खाएंगे बलिया का, और देखते हैं अविनाश जी को कैसा लग रहा है रबड़ी बलिया में खा के। और देखिए आदेश जी पूछना और लोगे, अरे खिला दीजिए आप जितना खिलाएंगे लोगों को। और ये आ गया मेरा रबड़ी, तो खा के टेस्ट बताते हैं। अविनाश जी खा दें, टेस्ट बताओ कैसा लगा था। हर्षित तो बड़न, हर्षित के तीन देखा, हर्षित का रबड़ी, हर्षित आ रबड़िया का भाई हो देखा आई। अरे हर्षित के दा, हर्षित का मन करता खाए के। ए हर्षित देख ल, हर्षित, अरे हर्षित नहीं देख ला, खाली मुस्किया दो। ए हर्षित, अरे आ गया हर्षित का रबड़ी। अरे तनी हर्षित तनी खा दो रबड़ी, तनी टेस्ट बताओ तो। देखो हर्षित, हर्षित कैसा लगल रबड़ी? ए हर्षित तनी हेने देखो, उन्हें देखे ना देखो कैसा लगल। अभी आप लोगों ने देखा स्टेशन पे
तो ऐसे आप लोगों को मदद करते रहिए, किसी को भी भूखा मत छोड़िए। और 8 बजे शाम को, मतलब 8 बजे रात को स्टेशन पे खिलाने स्टार्ट हो जाता है खाना, वैसे गरीब लोगों को या जो भी असहाय है जो खाना नहीं खा पाते हैं, आप लोग आइए और बलिया में ऐसे खाना थोड़ा सा खा लीजिए। और कुछ डोनेशन करना है तो आप डोनेट कर सकते हैं उनके संस्था में जाके, या आप पेटीएम भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने फिलहाल रबड़ी खा लिया और टेस्ट तो मतलब पूछो मत, मैं आई थिंक 10 साल बाद खा रहा हूँ रबड़ी, पहले खाया करता था बट अभी नहीं। और ये बलिया मार्केट बंद हो चुका है फिलहाल, काफ़ी सही लगा, मतलब पूछो मत टेस्ट क्या ख़तरनाक था। तो रबड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया था कि मुंह में पानी आ गया था सबका, और खाने के बाद ओहो पूछो मत। अविनाश भी बलिया में फर्स्ट टाइम रबड़ी खाया और हर्षित के मुंह में भी पानी ख़तरनाक आया, तो टेस्टी था, मज़ा आया खा के और सही रहता है। ऐसे जो ठेले पे खाने कुछ मिलते हैं, ठेले पे खाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी अच्छा लगता है खा के, मज़ा आता है। तो ये देखिए बलिया मेन मार्केट का शहीद स्मारक, क्या यहाँ पे भी लाइट लगा है, अच्छा है। और यहाँ पर भी लोग नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ठंडी मस्त है और मार्केट आज जल्दी बंद हो गया। तो यह है पीजे सिनेमा रोड, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अच्छा लगा इस वीडियो को तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बलिया राइडर को सच में ग्रो कराइए, आप लोगों से उम्मीद है। और आशा करते हैं कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में भी कुछ अच्छा सा लेके आएँ।